हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन फिर से एक और डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इट्स कॉल्ड ऊटाइटिस मीडिया। इसके बारे में आज पढ़ेंगे ऊटाइटिस मीडिया। इससे पहले अपने जो डिजीज बात की थी, इट्स कॉल्ड ऊटाइटिस एक्सटर्नल। क्या होती थी ऊटाइटिस एक्सटर्नल? इन्फ्लेमेशन द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक ना, ईयर के बाह्य पार्ट, जिससे अपने बोला था एक्सटर्नल ओडेंटिन के नाम, उसकी मेम्ब्रेन में अगर इंफ्लामेशन होना बैक्टीरिया का या वायरस का किसी का भी, जिससे कि वो इंफ्लामेशन होती है वहां पर रेड एंड पिंकिस कलर की स्वेलिंग हो जाती थी, और उससे फिर डिजीज जो होती है उसे अपन ओटाइटिस एक्सटर्नल बोलते थे। अब बात अपन करेंगे इससे आगे वाली पार्ट्स की, जिससे अपन कौन सा पार्ट करते हैं, ईयर का मीडियल पार्ट। तो कौन सा होता है मीडियल पार्ट, उसके बारे में देखेंगे। ऊटाइटिस मीडिया क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो ऊटाइटिस मीडिया इट्स कॉल्ड एज इंफ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। सिंपल सी एक डेफिनेशन आपने लिखी है बोर्ड पे, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने कि ऊटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेमेशन किसका होना, मिडल ईयर का। मिडल ईयर में भी बात करें तो मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं। म्यूकोसा मेम्ब्रेन किसका इंफ्लामेशन होना, मिडल ईयर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन का। ओके, ये भी अपने बात की म्यूकोसा मेम्ब्रेन का इंफ्लामेशन होना किसमें, मिडल ईयर में, ठीक है ना। अब सपोज जब इंफ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर का होगा तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलेंगे मेनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे, अपन इसे आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर में क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब जब किसी भी प्रकार का फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो फिर क्या होगा, बल्गिंग ऑफ ईयर ग्लैंड। बल्गिंग ऑफ ईयर ग्लैंड का मतलब क्या होगा, इसमें मैंने लिखा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर, ठीक है ना। मिडल ईयर में किसका एक्यूमुलेशन, फ्लूइड का। और बल्किंग का मतलब ही क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना, कहां पर होना, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसके पीछे होना, जिसके कारण जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम होती है वो क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, पिंकिश रेडनेस बोल सकते हैं, पिंकिश रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ईयर ड्रम। इसको जैसे अपन क्या कहते हैं, बल्की को ईयर ड्रम। और अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो पेन इन द ये पेन भी होगा, कहां होगा, मिडल ईयर में। पेन इन मिडल ईयर में भी क्या होगा, पेन होगा। तो बात अपने सिंपल सी की है कि ऊटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं, तो अपने बोला इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर में भी बात करें, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है मिडल ईयर में, और क्या आते हैं वो अपन आगे देखेंगे। ऑसिकल्स आते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं साउंड वेव का। ऑसिकल्स किसे कहते हैं, बोन्स को कहते हैं। मिडल ईयर में तीन बोन होती है, सबसे पहले अपन बात करें तो जो होती कौन सी होती है, मेलियस इनकस एंड स्टिफिस, तीन बोन होती है जो क्या करती है, साउंड वेव के कंडक्शन में हेल्प करती है, साउंड वेव को आगे भेजने का काम करती है।
ठीक है ना, उसी का ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो ये मिडिल ईयर के पार्ट्स होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। अब बात करते हैं अपन मिडिल ईयर तो अपन सबसे पहले एक बात करते हैं सिंपली ईयर को समझने के लिए। तो ईयर में क्या होता है, मेनली जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ईयर का, जिसे अपन ईयर पीना कहते हैं, जो कि मेनली किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में जब अपन यहाँ से आगे बढ़ते तो ये सेल की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। क्या होती है बच्चों, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, जिसका इंफॉर्मेशन होना है ये डेटिस एक्सटर्नल कहलाता है। जब बात करते हैं इसके बीच में जो ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है बच्चों, मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर ड्रम बोलते हैं। ये ईयर ड्रम जो होती है वो मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है। मिडिल ईयर किससे बना होता है, तो ये तीन बोन का बना हुआ एक कंडक्शन सिस्टम होता है जो कि मिडिल ईयर में पाया जाता है। इसकी जो फर्स्ट बोन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिलियस, इसे अपन इंकस, एंड इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेपेस, ठीक है ना। तीन बोन होती है, मिलियस, इंकस, स्टेपेस। स्टेपेस जो बोन होती है ये सबसे अपने ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है बच्चों। कौन सी बोन, स्टेपेस। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होगी, इससे जुड़ने वाली मसल होती है जिसे स्टेपिस मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेपिस मसल्स बोलते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट मसल्स होगी ना ह्यूमन बॉडी में होती है। बात करते हैं अपन, अब क्या बात करें, ऊटाइटिस मीडिया के बारे में बात करते हैं। तो ऊटाइटिस मीडिया, इससे पहले एक और चीज बताते हैं, जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर से एक नली नीचे की तरफ निकलती है, उस नली को अपन यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूस्टेकियन ट्यूब। अब ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है अपन कहां पे ओपन होती है, तो ये अपने ओरल पार्ट में ओपन होती है। ओरल पार्ट्स की भी बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओरोफेरिंग, एक होता है नेजोफेरिंग। ओरोफेरिंग ये जो पार्ट होता है इसे ओरोफेरिंग बोलते हैं, इसे अपन नेजोफेरिंग बोलते हैं। जो नेजोफेरिंग होता है उसके जो ओरोफेरिंग से ऊपर होता है उसके ऊपर से एक नली निकलती है। ये जो बात करते हैं एक्सटर्नली, ये क्या होता है, बोनी पार्ट होगा, मतलब बोन से बना हुआ होगा। और जो ये इंटरनली पार्ट होता है यहाँ बच्चों, तो ये यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये बात रिमेंबर में की है, ठीक है। अब बात क्या होता है, ऊटाइटिस मीडिया के बारे में अगर अपन बात करें, इसके होने का कारण क्या होता है, तो जब भी किसी प्रकार का जो अपने नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, या फिर किसी प्रकार की अपर रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, तो वो अपने कहाँ पे होती है बच्चों, वो
ना इन्फेक्शन होता है या अपन को सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड होता है, तो ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ करता है यहाँ के पार्ट को इन्फेक्शन करता है, वो बैक्टीरिया इस रूट से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाता है, मिडल ईयर में। तो ये भी एक कारण होता है, कौन सा कारण, कॉमन कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर के कारण भी क्या हो सकता है बच्चों, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करें इस यूस्टेकियल ट्यूब की, इसका क्या कार्य होता है, अपन ने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कार्य देखा था, क्या होता है बच्चों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जब भी क्या कार्य होता है, इसे ईयर ड्रम बोलते हैं, ये क्या करती है, साउंड वेव जो एक्सटर्नल पार्ट से जो साउंड वेव आती है उसको ये क्या करती है, आगे भेजती है, कैसे, वाइब्रेशन के द्वारा ये साउंड वेव को कन्वर्ट करती है वाइब्रेशन को, और ये वाइब्रेशन किस में जाता है, ओसीपल्स बोन में जाता है, बोन से होते हुए फिर ये इनर ईयर में जाता है। तो इसके दो कार्य होते हैं ओसीपल्स और ईयर ड्रम का, एक तो कंडक्शन कराना साउंड वेव का और सेकेंड काम क्या होता है इम्प्लीफिकेशन करना, मतलब साउंड वेव को जो कम मात्रा में भी आती है उसको अधिक मात्रा में कन्वर्ट करना, इम्प्लीफिकेशन करवाना, जिससे अपने इजीली सुनाई दे सके। तो ये बात हो गई नॉर्मल अपन ने बात की। अब जब यहाँ पे किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अपवर्ड की तरफ बढ़ेगा तो उसे ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, एक होता है फर्स्ट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया किसे बोलेंगे, जैसे ही अपन को किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसे, जैसे अपन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कॉमन कोल्ड हुआ तो उसके कारण से अपन को मिडिल ईयर में अचानक, एक्यूट का मतलब क्या होता है, अचानक से अपन को वहां पे क्या हो गया, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। ये मेनली क्या होता है, 6 वीक के अंदर ये अपने आप क्योर हो जाता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, क्योर होगा, क्योंकि अपन जब अदर कोज के कारण होते हैं उस कोज का अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इसका भी फिर ज्यादा ये सीवियरिटी से बढ़ती नहीं है, ठीक है ना, और ये जल्दी से क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो बात करें और दूसरा चीज जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अपन आगे पढ़ेंगे, इसका एक बेसिक चीज आप देख लो, जब बार-बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का इंफेक्शन होता है, या कहते हैं अपन रिपीटेड इंफेक्शन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज कॉज्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और ये क्या करेगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को कॉज करेगा। अब जब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का सबसे पहले अगर अपन बात करें तो क्या मतलब होता है कि It is an acute infection of किसका होना, मिडल ईयर का, acute infection of the middle ear of mucosa membrane, mucosa membrane जो होती है मिडल ईयर की, उसमें अचानक से इसका इंफेक्शन होना क्या कहलाएगा, acute otitis media कहलाता है। मैंने लिखा यूजुअली लास्टिंग फॉर 6 वीक, मेनली ये
कितने वीक तक ये जो बिजी होती है वो रहती है, 6 वीक तक रहती है। ऐसे 6 वीक के अंदर ये क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। 6 वीक के अंदर अंदर इसे अपन क्या कर देते हैं, टीच आउट कर देते हैं, ये रिकवर हो जाता है ये पेशेंट, ठीक है ना। इसकी मेन चीज होती है एक्यूटाइटिस मीडियाटिस का, बात करें तो अपन यूजुअली लास्टिंग फॉर 6 वीक, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें इसके कारण की, इटियोलॉजी ऑफ हुटाइट एक्यूटाइटिस मीडिया। तो बच्चों इधर देखो, एक्यूटाइटिस मीडिया की खोज के बारे में बात करें, ये मेनली अपन ने पहला एक पढ़ा था इसके कारण हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इंफेक्शन के कारण। तो द यूस्टेकियन ट्यूब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जब इंफेक्शन होता है या अपने किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है या सर्दी जुकाम होता है, तो यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा वो बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, मिडल ईयर में, और वो क्या करेगा, ओटाइटिस एक्यूटाइटिस मीडिया कोज करता है। नेक्स्ट बात करें, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, एक्यूटाइटिस मीडिया को कोज करते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बात करें निमोनिया, ये भी एक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं तथा वायरस, ये भी क्या कोज करते हैं, एक्यूटाइटिस मीडिया को कोज करते हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है एक्यूटाइटिस मीडिया जो होता है किसके द्वारा होता है, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, क्योंकि ये बाह्य बात करते हैं। जब आपने इसका डायग्राम देखा तो ये जो मिडल ईयर होता है वो आउटर से तो ईयरड्रम से बंद होता है और नेक्स्ट बात करें इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब जब भी किसी प्रकार का अगर कोई इंफेक्शन मिडिल ईयर में जाता है, ठीक है ना, तो मिडिल ईयर में जाते ही वो क्या करेगा, तो बच्चों अगर मिडिल ईयर का इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले अपन को पता है क्या होगा बच्चों, फीवर होगा, ओटाल्जिया होगा। ओटाल्जिया का मतलब क्या होता है, ओटाल्जिया का मतलब होता है पेन इन द ईयर, ईयर में पेन होना ओटाल्जिया कहते हैं, ठीक है ना। पेन भी हुआ ईयर में, सडनली अगर इंफेक्शन होता है तो वो क्या कोज करेगा, पेन कोज करेगा। अब जब बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस मेंब्रेन या उस म्यूकोसा पर इंफेक्शन होगा तो
म्यूकोसा क्या हो जाएगी बच्चों, स्वेलिंग हो जाती है। तो अपन यहां लिखेंगे स्वेलिंग ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा। मिडल ईयर जो ईयर की मिडल ईयर होती है उसका क्या हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो टिनिटस क्या होता है, टिनिटस, टिनिटस में क्या होता है, जब भी किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है, ठीक है ना, मिडल ईयर का, मिडल ईयर में जो यूज टेकिंग ट्यूब होती है वो आपको पता है क्या काम करती है, मिडल ईयर का प्रेशर कंट्रोल करती है, प्रेशर कंट्रोल करती है, जिसके कारण अपन को क्या होता है, जब भी कान में ज्यादा पानी मिडल ईयर में ना जा पाए तथा अपन को साउंड वेव से प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है ना। तो ये सारा कार्य किसका होता है, यूज टेकिंग ट्यूब का होता है। अब जब इन्फेक्शन हो जाता है तो अपन को क्या होगा, टिनिटस मतलब कानों में आवाजें जो होती है गूंजने लगती है, ठीक है ना, अपन को अलग से अलग कानों की आवाजें अपन को आने लगती है, ठीक है ना, इसको टिनिटस। फीलिंग ऑफ फुलनेस क्या होगा बच्चों, फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको पता है क्या होता है, कान के अंदर जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है वहां पे जो धीरे धीरे क्या होगा, एक्टिवेशन होने लग जाता है, फ्लू रिकेट आने लग जाता है, और जब फ्लू होता है बेटी क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, स्वेलो होने लग जाती है। तो कान के अंदर क्या होता था, जो ह्यूमन होता है वो नीरो हो जाता है, इसके कारण अपन को आवाज के अंदर जाने में दिक्कत आने लग जाती है, ठीक ना, और वो दिक्कत क्या पहुंच करेगी, अपन की कान को भारीपन महसूस करवाती है, क्या कराएगी, भारीपन कान को महसूस करवाती है, जिससे ही अपन कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फीलिंग ऑफ फुलनेस। नेक्स्ट अपन बात करें, जब ओटिटिस मीडिया अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तो वहां पे क्या बनने लगेगा, धीरे धीरे एक्सुडेट फॉर्मेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सुडेट फॉर्मेशन इन द मिडल ईयर, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया उस म्यूकोसा में जहां से इंफेक्शन हुआ है वहां से क्या बनाएगा, एक्सुडेट बनाएगा। अब एक्सुडेट क्या होता है, एक्सुडेट वह चीज होती है जब भी किसी भी मेम्ब्रेन पे, अपन इसकी बात करें बॉडी की कहीं पर भी मेम्ब्रेन की बात करें, अगर वहां पे बैक्टीरिया होता है तो अपने जो ब्लड सप्लाई से जो कैपिलरी माइनर कैपिलरी निकलती है वहां से क्या होगा, जो अपनी इम्यून सेल WBC होती है वो वहां से बाहर आके उस बैक्टीरिया को नष्ट करेगी, और नष्ट करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो WBC भी होती है, डेड बैक्टीरिया भी होते हैं, अदर केमिकल सब्सटेंस फ्लूड तथा डेड सेल भी होती है, सारा मिलकर एक प्रकार का पस बनाता है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। वो एक्सुडेट धीरे धीरे क्या होगा, अब फॉर्मेशन होने लगेगा, बनने लगेगा, एक्सुडेट फॉर्मेशन इन द मिडल ईयर में फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं जब मिडल ईयर के अंदर एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अब आपको पता होता है कि मिडल ईयर में जो एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, ये जो मिडल ईयर होता है यहाँ से मैंने आपको पता है यूज टेकिंग ट्यूब निकलती है, और यहाँ पे ये तीन बोन्स होती है, क्या होगी बच्चों, ये जो तीन बोन होती है, बोन के अंदर जब यहाँ पे इन्फेक्शन होने लग गया और यहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन होने लग गया, क्या बच्चों, एक्सुडेट हो गया, तो ये एक्सुडेट धीरे धीरे यहीं से बैक्टीरिया पे धीरे धीरे एक्सुडेट यहाँ पे नीचे आने लगेगा, नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, इससे यूस्टेकियन ट्यूब को ब्लो कर देता है, ब्लो करने के बाद में ये फ्लूइड इससे कंडक्शन सिस्टम को भी ब्लो करने लग जाता है, धीरे धीरे अपने जो कंडक्शन होता है वो भी कम होने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बाद वाली स्टेज होती है जब एक्सुडेट बहुत ही ज्यादा मिडिल ईयर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रोनिक रूप से अगर वो एक्सुडेट इकट्ठा हो जाता है तब, ठीक है ना। अब बात करें जब भी एक्सुडेट अगर मिडिल ईयर में
बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर यू स्टेट इट तो ब्लो हो गई। अब जब प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाएगा तो प्रेशर के कारण जो बच्चों यहां पे क्या था अपनी अच्छी वाली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक ना, स्वेल स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बार बार इसको इरिटेंट होता है, रेडनेस हो जाती है, तथा इन केसों की तरह क्या हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकता है, डॉक्टर इट मे परफोरेशन इट मे बी अगर मे बी अगर परफोरेशन भी मतलब इस ईयरड्रम का के अंदर से क्या हो सकता है, छिद्र हो सकता है, रप्चर हो सकती है, जिसके कारण अपन को क्या होगा, तो बच्चों इसके कारण अपन को डिफनेस डिफनेस हो जाएगी, ठीक है बच्चों, जिसके कारण अपन को क्या होगा, डिफनेस होगी, धीरे धीरे कम होगा, डिफेंस तथा हियरिंग लॉस भी होगा, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आवाज का कम सुनाई देना, फिर अल्टीमेट क्या होगा, पूरी तरह से हियर लॉस होना है, लॉस होना, उसके अलावा मैंने आपको बताया था वहां पे क्या होगा, बल्गिंग ऑफ ईयरड्रम, क्या होता है बल्गिंग ऑफ ईयरड्रम, जैसे ही यहाँ एक्सुडेट बहुत ज्यादा बनने लगे तो एक्सुडेट डिपेंड में डिक्रीज करेगा, जिसके बाद वो स्वेलो रेट पिंकिश कलर की हो जाएगी, और वो जब रेट बहुत ज्यादा प्रेशर उसके अंदर होगी तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपनी साइज से चेंज कर देती है, मेनली ये जो कलर लेस होती है उसके बाद टिम्पेनिक में स्लाइटली ट्रांसपेरेंट होती है, एक प्रकार का ईयर ड्रम होता है, पतली मेम्ब्रेन रूपी झिल्ली होती है अपने ईयर ड्रम में, अब ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जिसके कारण सामग्री को अच्छी तरह से आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, तथा इसके अंदर क्या खतरा होने लगेगा, परफोरेशन का भी होने लगेगा, अब जब ये रेट स्वेलिंग तथा स्वेलिंग हो जाती है, इससे अपन क्या करते हैं, बल्गिंग ऑफ ईयर ड्रम, किस कारण से होती है, बल्गिंग का मतलब क्या होता है, जब मिडल ईयर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसका फ्लूड का, जिसके कारण ये ईयर क्या हो जाता है, स्वेल तथा रेडनेस हो जाती है। तो बच्चों यहाँ तक तो अपने सिम्टम थे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, उसके अलावा अपन क्या करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा मेनली किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मिडल ईयर के अंदर हो रखा है, और वो अपन उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या बोलेंगे, क्या देंगे, ट्रीटमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर मेस्ट्रोइड एक्सरे भी कर सकते हैं, मेस्ट्रोइड एक्सरे जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में ना जो उसके जस्ट बैक साइड क्या होता है, कि यहाँ पे मेस्ट्रोइड बोन होता है, इस मेस्ट्रोइड बोन का भी इंफेक्शन क्या कोच कर सकता है, मिडल ईयर ओटाइटिस मीडिया कोच ही कर सकता है, तो इसलिए अपन मेस्ट्रोइड एक्सरे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन एक और टेस्ट होता है रनिंग रनिंग फॉग टेस्ट,
रनिंग फोक टेस्ट भी करते हैं, जिसके द्वारा अपन जो ईयर में जो साउंड वेव अपन को सुनाई देती है, जो कंडक्शन होता है उसके बारे में पता लगाता है, वो अपना जो हियरिंग है अपन को कितना सुनाई देता है और कितना कम सुनाई देता है उसके बारे में अपन इससे पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गए, डायग्नोस्टिक मेजर, जिसके द्वारा अपन इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात अपन बच्चों करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट का अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें अपन क्या देंगे बच्चों, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक में अपन एमोक्सिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है ना, और एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, सिक्लोरोक्विन दे सकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो एनाल्जेसिक पेन को, कान के पेन को कम करेगी, ठीक है ना। ये ड्रॉप देंगे, ये ड्रॉप, ठीक है ना, ये ड्रॉप के अंदर बात करें तो एंटीबायोटिक ये ड्रॉप दे सकते हैं, एंटीबायोटिक ये ड्रॉप अपन प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों। एंटीबायोटिक की बात करें तो ये ड्रॉप में अपन एंटीबायोटिक ये ड्रॉप दे, जैसे अपन एमिकासिन वगैरह, या फिर एंटीपायरिन या बेंजोकेनिन, एक प्रकार की ये ड्रॉप होती है जो अपन इसमें देखें यूकेटिस मीडिया दे सकते हैं, फिर एंटीबायोटिक, ठीक, पीसीएम अपन दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है ना, फीवर को कम करने के लिए। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट, इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर हेडेक हो रहा है तो उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा उसको डेली एक्सरसाइज करने के लिए मना करेंगे, ठीक है ना, और उसको जो भी बाथिंग वगैरह है वो भी ये इसको प्रोटेक्ट करते हुए करनी है, ताकि जो भी पानी वो अंदर ना जाए और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया बच्चों, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं जब एक्यूट यूटाइटिस मीडिया अगर कंटिन्यू होता है, बार बार होने लग जाता है, या इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो कुछ ये कॉम्प्लिकेशन कोज करता है, क्या करता है, कॉम्प्लिकेशन, जो उससे एक्यूट यूटाइटिस मीडिया से भी सीवियर स्टेज के अंदर ट्रांसफर करता है। तो कंडीशन कौन सी है, अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आपको पता है सीवियर क्रोनिक यूटाइटिस मीडिया क्या होगा बच्चा, क्रोनिक यूटाइटिस मीडिया के लिए आपको मैंने बताया, जब बार बार रिपीटेड एक्टिव यूटाइटिस मीडिया होता है और वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, शुड बी कन्वर्ट एक्टिव यूटाइटिस मीडिया इनटू द क्रोनिक यूटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कंडक्टिव कंडक्ट नहीं कर पाती है, उसे आगे नहीं भेज पा रही है, जिसके कारण कंडक्टिव हीरिंग लॉस हो चुका है। जब जो एक्सीडेंट होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, जिसके कारण वो उसको वाइब्रेट करने से रोकता है, उसी के कारण से कंडक्टिव हीरिंग लॉस होने के भी आगे चांसेस रहता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस
साइंटिस्ट जो अपना मिडल ईयर, मिडल ईयर जो बात करते हैं अंदर भी मेस्टोइक से आके जाएगा मेस्टोइक, तो ये अल्टीमेट धीरे धीरे अदर जो टिश्यू सेल्स ऑर्गन उसको भी लेगा और ये अपने ब्रेन के अंदर जो मेनिंजियस होती है उसका भी इंफ्लामेशन कर सकता है लेटर स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हियरिंग लॉस, कॉम्प्लिकेशन में जब क्या हो सकता है हियरिंग परमानेंट हियरिंग लॉस भी होने का खतरा रहता है या हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों अपने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसी का ही दूसरा पार्ट जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के रिपीटेड होने के कारण होता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कैसे होता है, क्या मैनेजमेंट है, कैसे किस बैक्टीरिया के कारण होता है और कैसे इसकी अपन ट्रीटमेंट या सर्जरी करेंगे, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।